देश विरोधी जिस कांग्रेस और गांधी परिवार के डीएनए में हो, उनसे देश के प्रति वफादारी की उम्मीद करना बेमानी होगी। राहुल गांधी ने नेहरू, इंदिरा और राजीव से जो सीखा, वो ही उनके व्यवहार में देखने को मिलता है। राहुल को भी अपने पूर्वजों की तरह भारत से ज्यादा चीन पसंद है, और चीन पसंद हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो चीन ही तो है जो कांग्रेस और गांधी परिवार को फंडिंग करता है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर चीन से मोटी रकम ली। साल 2005 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 1,35,00,000 रुपए मिले थे। चीन ही नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल जाकिर नायक की संस्था जाकिर नायक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से भी 50,00,000 रुपए मिले थे। यह फाउंडेशन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण भारत में बैन है। इससे यह तो साफ हो जाता है कि ये भारत विरोधी ताकतें कांग्रेस को फंडिंग भारत की तरक्की और खुशहाली के लिए तो नहीं करती होगी। आपने हमेशा ये ही सुना होगा कि दो देशों के बीच एमओयू या समझौते हुए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि दो देशों की पार्टियों के बीच समझौता हुआ हो? ये आपने नहीं सुना होगा। कांग्रेस ने 7 अगस्त 2008 को सोनिया गांधी के सुपरविजन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक समझौता किया। शी जिनपिंग उस वक्त सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और राहुल गांधी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने साइन किए थे। राहुल के दस्तखत किए जाने से पहले राहुल और सोनिया गांधी ने शी जिनपिंग के साथ एक अलग मीटिंग भी की थी। आखिर ऐसा इस समझौते में क्या था जो कांग्रेस ने भारत सरकार की तरफ से कराने के बजाय पार्टी स्तर पर किया? कांग्रेस ने कभी इस समझौते को पब्लिक नहीं किया। कांग्रेस ने कभी नहीं बताया कि कौन से देश हितों का सौदा करने के लिए माँ बेटे चीन के आगे नतमस्तक थे। कांग्रेस का चीन प्रेम तो ऐसा है कि जब डोकलाम विवाद को लेकर चीन से हालात तनावपूर्ण थे, जब हमारे सैनिक सीना ताने चीन के सामने खड़े थे, तब राहुल गांधी चीनी राजदूत को गले लगा रहे थे, और वो भी तब जब ना तो राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर थे और ना ही कांग्रेस पार्टी सरकार में थी। आखिर चीनी राजदूत से राहुल गांधी ने ये मुलाकात किस हैसियत से की थी, और अगर राहुल गांधी को विरोधी देश के चीनी राजदूत से मुलाकात करनी भी थी तो उन्होंने भारत सरकार को इस बारे में सूचित क्यों नहीं किया? और वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा ही कुछ हाल उस वक्त कांग्रेस का था जब ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी ने चीनी राजदूत से मुलाकात की है। पहले तो कांग्रेस झूठ बोलती रही कि कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो फिर कांग्रेसी लीपापोती करते नजर आए। क्या राहुल गांधी चीनी राजदूत से ये पूछने गए थे कि डोकलाम विवाद पर भारत का पक्ष कमजोर करने के लिए वो चीन की क्या मदद कर सकते हैं? चीन के आगे नतमस्तक रहने वाली कांग्रेस भारतीय सेना को भी अपने जैसा ही समझती थी। तभी सालों भारतीय सेना को दबाने वाली कांग्रेस के सत्ता से जाते ही जब बीजेपी सरकार ने आर्मी को फ्री हैंड दिया तो उसके परिणाम सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में सामने आए। लेकिन भारत विरोधी सोच रखने वाली कांग्रेस ने भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए सेना से ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। सिर्फ चीन ही नहीं, जो भी भारत विरोधी है कांग्रेस को वह पसंद है। सोरोस हो या पुनैया, दोनों भारत विरोधी राहुल गांधी के आदर्श हैं। सोरोस कई देशों की सरकारों को गिराने के लिए प्रोपोगेंडा चलाता है और उन्हें फंडिंग करता है। भारत में हुए सीएए प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने में भी जॉर्ज सोरोस का नाम आया था। सोरोस को लगता है कि वो अपनी राहुल गांधी नाम की कठपुतली के द्वारा भारत में भी ऐसा कर सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी सारी भारत विरोधी ताकतें देखने को मिली। इस भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस का खास सलील शेट्टी राहुल के कंधे से कंधा मिलाकर चलता नजर आया। हर्षमंदर जो सोनिया गांधी का करीबी है, वह भी सोरोस के पैसों से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। जो जॉर्ज सोरोस यह समझता है कि वह दुनिया को अपने इशारे पर चलाएगा, तो वो भूल रहा है कि दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन भारत किसी के इशारे पर नहीं चलेगा। ये नया भारत है, ना ये इशारों पर चलता है और ना ही दूसरों के इशारों पर चलने वालों को बख्शता है। लेकिन कांग्रेस को यह बात समझ नहीं आ रही है। समझ भी कैसे आए, क्योंकि राहुल गांधी ज्ञान भी तो जॉर्ज पुनैया जैसों से लेते हैं। अगर आप भूल रहे हैं तो आपको याद दिला दें कि जॉर्ज पुनैया वही हैं जो भारत माता का अपमान करता है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, और राहुल गांधी बैठे हुए चुपचाप सुन लेते हैं। भारत माता के मेले चवट पटकूड़ा चरुप
நம்ம ஷூ போடுறோம் எதுக்கு? பாரத் மாதா கிட்ட உள்ள அசிங்கியா நம்ம கிட்ட தொத்திட கூடாது, நம்ம செருப்பு போடுறோம். தேவியால நமக்கு சொறி சிறங்கு எல்லாம் வந்துட கூடாதுன்னு சொல்லி தமிழக அரசு இலவச செருப்பை கொடுத்துட்டு இந்த பூமா தேவி ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆளு, சொறி பிடிக்கும் சிறங்கு பிடிக்கும். भारत माता का अपमान करने वालों को राहुल गांधी चुपचाप इसलिए भी सुन लेते हैं क्योंकि वो खुद विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं और भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। Everybody knows and it's been in the news a lot that Indian democracy is under pressure, is under attack. ये तो कांग्रेस के वो गिने चुने भारत विरोधी कृत्य हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, वरना कांग्रेस और गांधी परिवार के भारत विरोधी कृत्यों को लिखते लिखते कलम की स्याही खत्म हो जाए, कागज के अंबार लग जाए, लिखने वाले हाथों में छाले पड़ जाए, फिर भी कांग्रेस के अपराधों की किताब पूरी नहीं हो सकती।